भारतीय राजनीति आजकल जिन गलियों से गुजर रही है वहां एक पार्टी से दूसरी पार्टी के लिए अच्छा बोला जाना या तारीफ किया जाना विलुप्त सा होने लगा है। हालांकि चलन तो इन दिनों ये है कि राजनीतिक दलों के नेता भाषाई मर्यादा को गिराकर एक दूसरे को कई अपशब्द बोलते हैं, लेकिन आज के इस दौर में भी कुछ नेता ऐसे बचे हैं जो समय समय पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की तारीफ कर बताते हैं कि दलों में भले ही भेद हो पर मन में मतभेद नहीं है। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है राजस्थान के मानगढ़ धाम में आयोजित मानगढ़ गौरव गाथा कार्यक्रम से, जहां सीएम अशोक गहलोत ने जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। सीएम गहलोत ने सबसे पहले तो पीएम मोदी का स्वागत किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि पीएम जब भी दूसरे देशों में जाते हैं तो उन्हें सम्मान मिलता है और पीएम को यह सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि वह जिस देश के प्रधानमंत्री हैं वह महात्मा गांधी का देश है, वह देश जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत और गहरी हैं, 70 साल के बाद जहां लोकतंत्र जिंदा है। दूसरे देशों में लोग सोचकर गर्व करते हैं कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री हमारे मुल्क में आ रहे हैं। और जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको, क्यों मिलता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है, 70 साल के बाद नहीं वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। और क्या बांसवाड़ी की बात करें तो मामा बालेश्वर जी का नाम अभी ले रहे थे मोदी जी, इनको ज्ञान है कि मामा बालेश्वर का क्या योगदान था गोविंद गुरु के बाद में, किस प्रकार से उन्होंने लगातार जागृति का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया। और मैं समझता हूँ नाथू भाई भगत, हीरा भाई मेम्बर पार्लियामेंट थे, किसी ने कमी नहीं रखी, और समसभा बना करके जो गोविंद गुरु ने प्रयास किए उनको जेल जाना पड़ा,